हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गतिकी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राफ के थ्रू जो एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है या एक रेखा में जो गति होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली आईआईटीज में या आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक नंबर में या दो नंबर में आपको सिंपली कुछ ग्राफ दिए होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को कैसे हम लोग ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पे जो बात हो रही है वो स्ट्रेट लाइन यानी कि एक रेखीय गति में हो रही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, यहां से कोई कार यहां जा रही है तो वो एक लाइन में चल रही है, यानी कि उसी रोड पे चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर या जो सदिश राशियां उन पर डिस्कस करेंगे, तो यहां पे हम लोग विस्थापन पे यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे। लेकिन चूंकि ये एक रेखा में सीधी लाइन में सारी जो मोशन है एक लाइन में हो रही है, तो यहां पे दूरी और विस्थापन दोनों सेम ही होंगे। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बनाने हमें, वो सारे के सारे हम लोग विस्थापन और समय के साथ साथ बनाएंगे। विस्थापन यानी कि जो दूरी, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे समझिए, आप एक कार है, ये कोई कार है या एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये जब बिल्कुल चल ही नहीं रहा, कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा, यानी कि ये भ्रमावस्था यानी कि रेस्ट की कंडीशन में है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में, यानी कि ये कहीं आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका या तो जीरो होगा या फिर मान लीजिए पहले से चल के आया था उसके बाद रेस्ट में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो जितना हो गया था वही रहेगा। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे विस्थापन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे विस्थापन या इंग्लिश में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, और यहाँ पे हमारा दूसरा एंगल जो होगा टाइम या फिर समय। तो या तो ये जीरो होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्राह्म अवस्था में यानी कि रुका हुआ है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो विस्थापन जीरो होगा या फिर हो सकता है कि पहले से वो चल के आया हो फिर रुका हो, तो जो विस्थापन है वो ये होगा। तो जो भी विस्थापन होगा वो फिक्स होगा, यानी कि वो कॉन्स्टेंट होगा। तो ये हमेशा इस तरीके से एक लाइन होगी, ये लाइन कहीं भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, लेकिन ये सीधी लाइन होगी और सीधी लाइन बिल्कुल समय के समानांतर होगी, यानी कि समय के पैरेलल होगी। तो ये लाइन कहीं भी हो सकती है। तो जनरली आपको एग्जाम में सिंपली ऐसे जो ग्राफ आ सकता है, तो आपको देखते ही समझ जाना है कि ये जो कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है उस टाइम की कंडीशन है। तो यहां पे हमारे पास टाइम है एंड यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन और समय। और हमेशा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए एक कार है जो या तो गैरेज में रखी हुई है या गैरेज से थोड़ी दूर चली, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ लिया लेकिन वहीं पे रुकी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, विस्थापन नहीं बढ़ रहा है, तो ये यानी कि वहां पे रुकी हुई है। मान लीजिए आप घर से निकले 1 किलोमीटर दूर पे, आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप वहीं पे रुके हुए हैं। आप 1 घंटे पहले यहां से, मान लीजिए आपको 10 मिनट लगे थे, उसके बाद 2 घंटे तक आप यहीं पे खड़े रहे, तो उन 2 घंटों के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो आप यूं कहें कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि ये जो हिस्सा है इसको आप काउंट कर रहे हैं, या फिर जीरो है। तो ये हमेशा ये जो लाइन होगी, ये विस्थापन और टाइम में इस तरह की अगर कोई लाइन आती है, तो यहां पे आपका जो वेग है वो जीरो होगा, आप जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन है यानी कि विराम अवस्था में होगा, और साथ में आपका जब वेग जीरो है तो त्वरण भी यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। दूसरी कंडीशन आती है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो आपकी कार है वो एक समान गति से बढ़ रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, ये पहला ग्राफ हो गया, इसको आपको याद रखना है। अब अगर ये गाड़ी टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, हर मिनट पे या हर सेकंड पे आगे बढ़ रही है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो या तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो हो सकता है ये जीरो से हम काउंट कर रहे हो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से, या फिर कुछ टाइम के बाद काउंट कर रहे हो। तो हमेशा जब भी गाड़ी आगे बढ़ रही है एक वेग से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन धीरे धीरे बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, इस टाइम पे इतना था,
थोड़ी देर बाद इतना बढ़ गया, यानी कि पहले इतना था डिस्प्लेसमेंट, इतना था फिर इतना हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद मान लीजिए यहाँ पे इस टाइम पे इतना हो गया, तो ये बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो आपको फिगर मिलता है, तो यानी कि यहाँ पे जो वेग है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर तो ये जो ग्राफ है ये धनात्मक, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो प्लस वेलोसिटी में, यानी कि जो टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो है, जब एक समान गति से या एक समान गति से कोई वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है, उस कंडीशन में ये ग्राफ आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जब भी ये ग्राफ आए, तो यानी कि एक समान गति से बढ़ रही है, और इसका जो त्वरण होगा यानी कि एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब एक समान गति से बढ़ रही है तो गति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जब चेंज नहीं हो रहा जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें त्वरण नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए ये कंडीशन कई बार आपको ग्राफ इस तरीके से भी आ जाता है, आपको कई बार ग्राफ इस तरीके से भी आ जाता है, तो ये भी आपका जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके वेग एक समान वेग से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वेग ऋणात्मक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग वेक्टर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आपका ये फिगर और इसके पहले जो मैंने बनाया था आप फिगर, वो दोनों ही लगभग आपको सेम तरीके से कंसिडर करने हैं, बस उसमें वेग जो था वो पॉजिटिव था और इसमें जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। उसके बाद अगर हम लोग अगले ग्राफ की बात करें, अभी मैं इन ग्राफ का यूज ही बताऊंगा, और जनरली आपको इस तरह के तीन चार ग्राफ दिए जाएंगे, और आपसे इनफैक्ट अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम से IITs वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है चार ग्राफ दिए हैं कौन सा ग्राफ गलत है, और आपको कुछ वैल्यू दी जाएंगे कि ये इस चीज का ग्राफ है, ये मान लीजिए जो भ्रामावस्था है ऑब्जेक्ट की उसका ग्राफ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बन रहा है। अब मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान लीजिए कार है, आपने गैरेज से निकाली और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि पहले आपकी स्पीड 50 थी, फिर आपने 60 की, फिर 70 की, फिर 80 की, फिर 90 की, इस तरीके से स्पीड बढ़ा रहे हैं। अभी क्या था, स्पीड जब कांस्टेंट थी, एक जैसी स्पीड थी, यानी कि जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, तब ये ग्राफ सिंपली स्ट्रेट लाइन बना था, लेकिन ये जब वेलोसिटी भी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो उस टाइम में ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से मतलब ये कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, सीधी लाइन नहीं होगी, ये कर्व लाइन होगी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही आसान है, ये जो स्लोप है ये इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो ये आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ये हमारा वैल्यू कब आएगी, ये जो ग्राफ बनेगा ये कब बनेगा, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक समान वेग से नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं बढ़ रहा, बल्कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर ऊपर की तरफ बना है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बना है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर यही ग्राफ नीचे की तरफ बना होता इस तरीके से, तो वेलोसिटी घट रही है। या फिर यूं कहें कि मान लीजिए आपने जो कार है वो गैरेज से निकाली, यहां से मान लीजिए यहां तक गए और यहां पे आप रुके, तो यहां से यहां तक स्पीड बढ़ाई होगी, फिर आपने ब्रेक लगाया होगा तो यहां से यहां तक कम हुई होगी, तो उस कंडीशन में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए चाहे यहां से स्टार्ट कर दीजिए या बीच से, तो इस तरीके से, यानी कि यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, फिर कम होने लगी। और ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर हम इसको इसी ग्राफ को, जो हमारा एक्सीलरेशन यहां पे जीरो नहीं होगा, जो हमारा ग्राफ था यानी कि हमारी गति अलग अलग टाइम पे अलग अलग बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, ये कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी आ जाए, यानी कि वी और टी वेलोसिटी के बीच में आ जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन होगा, यही सेम ग्राफ, ये भी दोनों चीजें सेम रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्यों? यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे वेलोसिटी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे वेलोसिटी है, और जो ग्राफ अभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो ग्राफ इस तरीके से जा रहा था, अगर उसी को हम वेलोसिटी वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में बनाते हैं,
तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अगर आपको फिगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बताई, मैं उन सबको एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ रहे। अब मान लीजिए आप यहां पे हैं और आप यहीं पे रुके हुए, एक जगह रुके हुए हैं, तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि सीधी लाइन बनेगी। अब वो लाइन इस तरीके से होगी जो कि टी जो टाइम लाइन है उसके साथ होगी, ये कहीं भी हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन ये बिल्कुल सीधी होगी। दूसरी कंडीशन, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिक्स स्पीड से, मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं और फिक्स स्पीड से, ना तो आप तेज चल रहे हैं ना स्लो चल रहे हैं, जो स्पीड आपने शुरुआत में की थी वो लास्ट तक चलती जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये दूसरा ग्राफ है, मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूं, आप इसके पहले जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था इसको मैं ये बोल रहा हूं, उसके बाद अगला जो ग्राफ आएगा जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके का होगा, उसको बी ग्राफ दे दे रहा हूं मैं। और अगर इसी को हम लोग वेलोसिटी वेलोसिटी और टाइम के बीच में निकाले इसी ग्राफ को, तो मैंने आपको बताया एक जैसी गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि ये कांस्टेंट इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी और टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, यहाँ वेलोसिटी और टाइम, विस्थापन और समय, और यहाँ पे वेग और समय, तो ये सेम दोनों ग्राफ सेम बता रहे हैं, सेम चीजों को नोटिफाई कर रहे हैं। तो ये बी ग्राफ था। अगर हम बात करें कि ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है घट रही है, तो बढ़ेगी या घटेगी, तो ये कुछ इस तरीके से, यानी कि कर्व होगा। तो इसको हम लोग सी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और अगर इसको वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो अब सारे जो ग्राफ्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो पहला ग्राफ यानी कि जो ग्राफ ए था उसको देख लेते हैं। ग्राफ ए कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम है यानी कि समय। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन जी, पहली बात तो यह है वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या था, वी अपॉन टी। तो अगर वी ही जीरो है तो ए तो अपने आप जीरो हो जाएगा, पहली कंडीशन ये ए था। बी के लिए क्या था, मैंने आपको बताया अगर ग्राफ ए है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो इस कंडीशन में क्या है, वी आपकी जीरो नहीं है, वी आपकी पॉजिटिव है, वी यानी कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है लेकिन फिक्स है, यहां पे हम बात कर सकते हैं कांस्टेंट है, और आपका ए जो है वो बिल्कुल जीरो है। ए जीरो क्यों है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और तीसरा, इसको हम बी ग्राफ दे रहे थे, और सी ग्राफ जो था वो इस तरीके से था, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये कोई कर्व बन रहा था। तो इस तरीके के ग्राफ में क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, यानी कि वेलोसिटी भी कुछ होगी, एक्सेलरेशन भी कुछ होगा, और ये दोनों ही जीरो नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और आपका डिस्प्लेसमेंट तो अलग होगा ही। तो ये तीन जो ग्राफ है इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो फॉर्मूलेज हैं या जो समीकरण है एक रेखीय गति में, वो गति के जो तीन समीकरण हैं उनके बारे में देखेंगे, उनको कैसे हम लोग उनका कैसे डेरिवेशन करना है उसके बारे में देखेंगे, ग्राफ विधि से भी डेरिवेशन करके दिखाएंगे और मैथमेटिकल विधि से भी डेरिवेशन करके दिखाएंगे। तो ये अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको आगे आने वाली वीडियोज में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।